पठानकोट में लीची जोन बनाया गया था, जिसके बाद अब लीची जोन को प्रफुल्लित करने के लिए लीची एस्टेट बनाया जा रहा है। इसके लिए सरकार से पठानकोट को 4,53,00,000 रुपए मुहैया करवाए गए हैं और लीची एस्टेट कुछ ही महीनों में बनकर तैयार हो जाएगा, जिसमें 2 लैब किसानों के लिए दी जाएंगी, जिसमें किसान मिट्टी की टेस्टिंग व फसल पर बीमारी के लिए कौन सी दवाएं छिड़कनी चाहिए ये पता लगा सकेंगे। पठानकोट में ये एस्टेट तीसरा बड़ा फ्रूट एस्टेट होगा। इससे पहले अबोहर व मुक्तसर में फ्रूट एस्टेट बनाए गए हैं जो किन्नू की फसल के लिए हैं। लीची की फसल अकेले पठानकोट में होती है और लाखों टन लीची हर साल उगाई जाती है। पठानकोट की लीची अब एक्सपोर्ट भी होने लगी है। पठानकोट से हलचल के लिए जतिन शर्मा की रिपोर्ट। लीची एस्टेट वास्ते साढ़े को 4,54,00,000 रुपए का बजट आया है। तो इस बजट में 1,78,00,000 की जी है बिल्डिंग की सारी होनी है। उस तो अलावा एक लबोरटरी बननी है, वो मिट्टी के सैंपल टैसट होने हैं, तो पत्थर के सैंपल टैसट होने हैं। उस हिसाब में फिर किसान जोड़े है वो खादा तो बाकी जो है माइक्रोन्यूट्रेंट्स जिन्हें भी है वो हिसाब से पाँगे, इस जिम्मेदार बहुत फायदा होगा। हाँ जी, इससे बहुत प्रमोशन होगी, काफ़ी फार्मर्स को काफ़ी इससे मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। और जैसे उनको ट्रैक्टर्स मिल जाएंगे, उनको खाद मिल जाएगी, उनको स्प्रे की नॉलेज मिल जाएगी, प्लस जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है एक लैब। अगर हम लीची एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमें एक लैब चाहिए जो लीची स्टेट में बनेगी। वो लैब जब अप्रूव करेगी तो हम एक्सपोर्ट कर सकेंगे लीची। जैसे हमारी काफ़ी डिमांड है लीची की, अरब कंट्रीज़ में बड़ी डिमांड है, हमारी इधर अमेरिका में काफ़ी डिमांड है। क्योंकि जो लीची उधर आती है ना, जो ऑस्ट्रेलिया में आती है, वो बाल उसके ऊपर बाल होते हैं। ये जो लीची है ये क्वालिटी कहीं नहीं मिलती।